सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले कई नेता और विधायक अपने अपने आवेदन देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में महापौर एजाज डेबर ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। महापौर एजाज डेबर ने दक्षिण विधानसभा और उत्तर विधानसभा से आवेदन किया है। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पहुंचकर दो विधानसभाओं के लिए अपने दावेदारी पेश की है। बता दें कि वे NSUI के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने विधानसभा के लिए दावेदारी दे दी है। वे 9वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वरिष्ठ मंत्री रविंद्र ने साझा विधानसभा मुख्यालय पहुंचकर ब्लॉक अध्यक्ष को अपना आवेदन दे दिया है। उन्होंने भारी संख्या में समर्थकों के साथ प्रत्याशी के लिए आवेदन दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सत्यनारायण शर्मा ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उनकी जगह रायपुर ग्रामीण सीट से उनके बेटे पंकज शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष को आवेदन दे चुके हैं। बता दें कि पंकज शर्मा कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। पंकज शर्मा वर्तमान में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। Come on!